नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने एक अनार के पौधे से सौ से भी अधिक अनार कैसे ले सकते हैं तो दोस्तों आप बने हुए हैं चैनल ग्रीन गार्डन पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत किए देता हूँ दोस्तों ये जो आप मेरा अनार का पौधा देख पा रहे हैं ये सुपर भगवा वैरायटी का अनार का पौधा है और इस पौधे पर बहुत सारे फल आए हुए हैं लगभग पौधे की हर शाखा पर आपको फल नज़र आ रहे होंगे पौधा जो है पूरी तरह से झुका हुआ है दोस्तों यहाँ पर भी कुछ फल आए हुए हैं इस पौधे पर अधिक वजन होने के कारण ये पौधा ज़मीन पर गिर गया था फिर हमने एक खम्बा लिया और उस खम्बे की मदद से हमने अनार के पौधे को अच्छे से बांध दिया दोस्तों अनार के पौधे को ज़्यादा कुछ खास देखरेख की ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ आप अपने अनार के पौधे में समय समय पर पानी देता रहना है गुड़ाई करते रहनी है और फर्टिलाइज़र देना है इतनी ही देख रेख में आपका अनार का पौधा बहुत सारे फल देने लगेगा ये जो आप मेरा अनार का पौधा देख पा रहे हैं ये इतनी ही देख रेख में काफ़ी अच्छे से फल दे रहा है आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों आपको अपने अनार के पौधे में महीने में एक बार गुड़ाई करनी है और कोई भी ऑर्गेनिक खाद उस पौधे में आपको डाल देना है केमिकल खाद का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है हमें अपने खाने पीने की चीज़ों में कभी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो हमने यहाँ पर अपने अनार के पौधे की गुड़ाई पहले से ही की हुई है गुड़ाई आपको कम से कम तीन इंच गहरी करनी है अगर ज़मीन पर पौधा लगा है अगर गमले में पौधा लगाया हुआ है तो आप दो इंच गहरी कड़ाई कीजिए गुड़ाई करते समय पौधे में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए तो हमने यहाँ पर प्योर डी गोबर खाद ली हुई है ये देखिए ये कम से कम छः महीने पुरानी होनी चाहिए अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं केचुआ खाद ले सकते हैं और आपको अनार के पौधे में इस तरीके से गोबर खाद को या फिर आपके पास जो भी ऑर्गेनिक खाद हो उसे इस तरीके से अच्छे से बिखेर देना है मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है तो हमने यहाँ पर गोबर खाद को अच्छे से अनार के पौधे में डाल दिया है और हाथ की मदद से उसे अच्छे से बिखेर देना है अनार के पौधे को जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी वो इससे ग्रहण करता रहेगा अनार के पौधे में खाद या फिर फर्टिलाइज़र देने के बाद एक दिन तक आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है दूसरे दिन आप अपने अनार के पौधे में पानी दे सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एक अनार के पौधे से सौ से भी अधिक अनार ले सकते हैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद